बाकी हरीम के साथ जो जुड़वा बेटी हुई थी ना, वो बच्ची मैं। गुरु, फिर आपको मरियम के साथ चले जाना चाहिए था। गलती हो गई, उसको मेरी वहां जरूरत होगी। मेरी बात गौर से सुन। पहले फाखरा ने तुम्हें क्या बताया कि हरीम के साथ एक बेटी पैदा हुई है, यही बताया ना? आप क्या करेगी, आप उस डॉक्टर लड़की को तुम्हारी बेटी बनाकर तुम्हारे सामने पेश करेगी, लिख के रख लो। वही हुआ ना जिसका डर था, हैं? ये डॉक्टरनी तो तुम्हारे घर में बगावत का बीज बो रही है। ते ग़ज़ब खुदा का वसीम, तुम्हारा हाथ ही पकड़ लिया। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ करोगे? या अपनी बीवी और बेटियों को हाथ से निकलता हुआ देखते रहोगे? क्या करूं? क्या करूं आपा? मेरे बेटे के साथ दो बोल पढ़वा दो, बाकी शिराज खुद संभाल लेगा। इतना आसान है ना ये करना? अरे भाई सख्ती करो ना, चुटिया से पकड़ो फाखरा को। हद हो गई, मजाल है किसी औरत की के मर्द के सामने खड़ी हो? क्यों, अब क्या हुआ? वो जो लड़की है ना, वो डॉक्टर ने पुलिस की धमकी दे के गई है मुझे। अब इस उम्र में थाने जाता अच्छा लगूंगा मैं। असीम मेरी बात मानो तो पहले उस डॉक्टरनी को काबू में करो। एक बार अगर वो काबू में आ गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुम्हारी बीवी और बेटियां तो पहले ही तुम्हारे सामने सांस लेते हुए डरती हैं। सोचो इस बात को, सोचो। जी, मेरी मरियम लवारिस नहीं है, बस कुछ बीमार जहनों की जुल्म की वजह से लवारिस बन गई थी। फिर खुदा ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी और अब तो इसका खानदान भी मिल गया, इसकी मां भी मिल गई है। सत्तार भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पे। नहीं बहन जी, आपने सलार के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन मेरा यकीन करें, सलार के लिए सबसे अच्छा मरियम का साथ है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जी आपने तो ये कह के मेरा दिल खुश कर दिया। खुदा की कसम, आपने अपना सारा बोझ हल्का कर दिया। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। कैसी बातें करते हैं आप, अल्लाह करे आप 100 साल जिए। आमीन। मेरे ख्याल से इसी बात पे मुंह मीठा किया दे। तुम तो कब से यही कोशिश करो। लो सबसे पहले यहां पे
थैंक यू। अच्छा भाई, सालार के अबू 2 दिन बाद पाकिस्तान आ जाएंगे और वो जैसे ही आएंगे हम इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। ठीक है बहन जी, हाँ आपने आपने हाँ कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मगर भाई मुझे अभी भी शर्मिंदगी है, मैंने जो किया उस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो आपके मोहल्ले का कोई बंदा था, पता नहीं क्या नाम था उसका, हाँ जमान, उसने आपके बारे में और मरियम के बारे में इतनी अजीब बातें की कि मैं भटक गई, मगर मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, जो हुआ सो हुआ। कुछ लोग कोयले की तरह होते हैं, वो जब भी छुएंगे ना दामन को दागदार कर देंगे। वो शख्स भी ऐसा ही है। मरियम तुम भी हंस लो। अबे ओ गुरु के चमचे, कहाँ है तेरा गुरु? ज़मान, खुदा के वास्ते तो पीछा क्यों नहीं छोड़ देता हमारा? मजा आता है मुझे जब तुझे तेरे गुरु को और वो कचरे से मिलने वाली लड़की को तंग करता हूं ना, ज़मान को मजा आता है। बता कहाँ है गुरु? गुरु काम से गया, वो तू भी जा। बे तू भी जा क्या होता है, तमीज से बात कर, तेरी औकात है मुझसे इस तरह बात करने की? जा रहा हूं फिर आऊंगा, देखू तो सही कचरे से मिलने वाली लड़की की शादी कहाँ करते हो। सबको बताऊंगा तुम्हारी औकात। अबे ओ सुरैया, वापस आऊंगा मैं। क्या औकात है इंसान की। अभी धमकियां लगा रहा था और अब सड़क पे पड़ा है, हिल भी नहीं सकता। अल्लाह इसकी मफ़िरत करे। अब खुश हो तुम? बहुत खुश। थैंक यू बाबा, मुझे पता है ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन थैंक यू कि आपने मेरी खुशी को सबसे ऊपर रखा। बाप होते किस लिए? बेटियों को खुश देखने के लिए। बाबा मैं पानी लेकर आ रही हूँ। मैं पानी लेकर आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। बाप
मैं शोर इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा बाप मेरा गुरु कहीं जाने वाला है। मैं कहीं नहीं जा रही है। से कह रही हूँ आपसे डॉक्टर के पास चल रहे, आप जा रहे हैं? बाबा आपको तो बहुत ज्यादा खांसी है। नहीं बेटा बस मौसम का असर है। जी डॉक्टर साहब। मारिया आप तो फुट डॉक्टर हैं और आपसे कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता। जी डॉक्टर मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। इनके लंग्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बात कहने की तो नहीं लेकिन सच तो यह है, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि सांस कैसे ले रहे हैं। इनकी सांस सिर्फ मेरी खातिर चल रही है। मेरे बाबा इस दुनिया से जाने से पहले मुझे इस दुनिया की हर खुशी दे देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। That's great, but लगता है कि सत्तार साहब ने कभी अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं किया। लंग्स की हालत एक दिन में नहीं हो जाती, उन्हें वक्त पर अपना इलाज करवाना चाहिए था। इंसान अपने लिए क्या कुछ नहीं करता। उन्होंने सब कुछ, मेरी पढ़ाई, मेरी जरूरियात, सब कुछ उस पे खर्च कर दिया। मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब हम उनसे मिल सकते हैं? हमने मेडिसिन दे दी है, थोड़ा बेहतर हो जाए हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं होंगे। जी, थैंक यू। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लें। क्या कहा डॉक्टर ने? तसल्ली दी है। तसल्ली डॉक्टर ने? सलमान शाह साहब ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुरु एक दरिया है, उसके अंदर जितनी बेचैनी हो ऊपर से पता नहीं लगने देते। मुझे खुद नहीं मालूम था कि वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा जख्म सह रहे हैं। कोई
कोई तो ट्रीटमेंट होगा। पता ही जाने। मरियम, मुझे अपने गुरु के पांव छूने, उनकी खिदमत करनी है। डॉक्टर ने कहा उनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल होती है तो हम उनसे मिल सकते हैं। वो उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। आगी मेरी बेटी, बैठो। परेशान नहीं होना, जिंदगी के धंधे में ऊंच नीच तो चलती रहती है। तुम परेशान नहीं हो? मैं परेशान नहीं हुआ। सलमान भी है, मैंने कहां जाना है? जहां आपके पैर वहां मेरी हथेलियां। घर जाने। डॉक्टर ने कहा है कि उस दिन आपको यही रहना है। बेटा, मैं डॉक्टर के कहने पे बुरी जिंदगी तो यहां नहीं गुजार सकता ना। सलार बेटा भी आया है। कैसे आप? बेटी, पता है बेटा, तुम दोनों को इकट्ठे देख के ना ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बाकी है। मरियम, वही बाबा से बात हुई है। हम तुम्हारे बाबा को इलाज के लिए यूएस लेके जाएंगे। बाबा, सुना आपने? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यार बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक काम करोगे? प्लीज कहिए। मेरी मरियम को खुश रखोगे? अगर तुमने ये कर दिया ना तो खुदा की कसम मुझे लगेगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। तुम्हें पता है जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब है मेरी मरियम की खुशी। बाकी सब मौत है। घर चले। कहाँ जा रही?
मरियम को लेना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कल को सड़क से कोई भी उठ के ये खड़ा होकर दावा कर देगा कि इस घर में हकदार है, तुम लाके उसको मेरे सर पे। बस कर दे, बस कर दे, बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गई बदसलूकी, अब और नहीं। एकदम खामोश हो जाओ। बहुत चुप रह ली मैं, एक माँ बनकर बहुत चुप रह ली मैं। 22 साल तक मैं अकेली अपनी बेटी के लिए रोती रही, आपके कानों में सिसकियां तक नहीं पड़ने दी मैंने। बंद करो ये झूठी कहानियां फाखरा। आपके लिए बेटी झूठ होगी, मेरे लिए बेटी सबसे बड़ा सच है। देखा है मेरी बेटियों को आपने? मेरा सहारा है वो, बेटियां सबसे बेहतर सहारा होती हैं। मैं मर जाऊंगी ना तो वही रोएंगी मेरे लिए। ये फजूल में चीखने से कोई फायदा नहीं हो। इतनी मुद्दतों बाद तो चीख हुई हूं मैं, मेरी चीख आज सबको सुनाई देनी चाहिए। अंदर चलो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। मैं जाऊंगी लेकिन अंदर नहीं जाऊंगी, मैं मरियम को लेने जा रही हूं और मैं देखती हूं कि कौन रोकता है मुझे। हटिए फाखरा, फाखरा, हसीब, कोई आया है? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? इतने अरसे तक मैं माँ बाप को ढूंढती रही, ढूंढ भी लिया तो एक माँ अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ सकती क्या? अस्पताल से पता मिला मुझे। चलो तुम अपना सामान बांध लो, हमारे घर जाने का वक्त आ गया, चलो। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे पापा को मेरी जरूरत है। आई ये मेरे बाबा ने, इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ है इन्हें? मैं हूं इन्हें, सारे जमाने की सख्तियां तलखियां इन्होंने अपने ऊपर ले ली। मेरे तक तो एक गर्म हवा का झोंका भी नहीं आने दिए, तो
सख्तियां खा गई है इन्हें। मैं इनके किए हुए एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती। बहुत बड़े इंसान है ये। बाबा ने जो मेरे साथ बिना रिश्ते के किया है वो शायद मेरा सगा बाप भी नहीं कर पाता। मैं अपने बाबा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बस तो आ जाएगी, आना तो होगा, आखिर ये उसका असल घर है। एक बात कहूं? हाँ कहो मायरा। जिस घर में वो बचपन से रही वो हमारे पास आ जाएगी छोड़ के? मुश्किल तो होगा लेकिन ये उसका असल घर है, वो घर तो छोड़ना होगा ना उसे। और वैसे भी हम उसकी सगी बहनें, हमारी अम्मी उसकी सगी अम्मी है, उसे तो आना होगा। तो अब्बू उसे बेटी मान लेंगे? अब्बू के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारी बहन है ना। चलो उसके लिए कमरा सेट करते हैं। हाँ, अब वो हमारे साथ ही रहे। चलो चलो। हाँ चलो। ये कहाँ रखूं? हाँ रखूं, मैं आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ। मरियम बेटा, तुम्हें अपनी माँ को इनकार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें चले जाना चाहिए था। अच्छा, और यहाँ पे आपको अकेला छोड़ के मैं चली जाती हूँ? मैं अकेला थोड़ी हूँ, सलमान है ना। अगर तुम मेरी बेटी हो तो वो मेरा बेटा है। एक बात कहूँ बाबा, आप मेरे मामले में बड़े खुदगर्ज़ हैं। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जब तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता। अब इसे तुम खुद गर्जी का ये जो। सही कह रहे हैं आप, मोहब्बत तो ऐसी ही होती है, इसीलिए मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बेटा तुम्हें जाना चाहिए अपनी माँ के पास, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारे मुंतजर है। बड़ी लंबी जुदाई काटी उन्होंने। बाबा जुदाई तो वहां होती है ना जहां पे कोई मेल हुआ, मैं तो कभी उन लोगों से मिली भी नहीं हूं। हाँ अगर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी फिर जुदाई होगी, और खबरदार आपने आज के बाद मुझे अपने से दूर करने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बातें हो गई हो तो सूप पी लें, मुझे छोड़कर चली जाओ, बातें करवा लो जितनी मर्जी। ठीक बातें सुना के चली गई और तुमने खामोशी से जाने दिया, हद ही हो गई। खाने दो इसको। आ गई तुम? चलो मायरा, अम्मी आ गई। कहाँ है वो तुम्हारी नाम नेहाद बेटी जिसको लेने गई थी? अरे बेटी होती तो आती ना। क्या हुआ अम्मी? मरियम नहीं है आपके साथ? अंधी हो, दिखाई नहीं दे रहा कि कोई नहीं आया साथ? हो गया, चलो अंदर चलो तुम लोग
और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा उस लड़की का जिक्र भी मैं इस घर में ना सुनूं। समझ आ गई? जिक्र? वो बेटी है हमारी वसीम, और आप जिक्र की बात कर रहे हैं। बातें ना सुनाओ मुझे, पता नहीं कहां कहां से कहानियां घर लेती है। जब लेने गई थी उसे तो आई क्यों नहीं साथ वो? हाँ आती तो पोल खुल जाते ना सारे। आएगी वो, और आज क्यों नहीं आई ये सुनकर तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शुक्र करती हूं कि उसकी तरबियत इस घर में नहीं हुई, वो आप जैसे बाप के साये तले नहीं पली बल्कि किसी और ने पाला उसे। आप जानते हैं किसने पाला उसे? एक ख्वाजा सिरा ने। जिसके खुद के खानदान ने उसे कबूल नहीं किया। माशरे से धुतकारा गया एक ऐसा शख्स जिसके हाथ लगी आपकी बेटी, और ना सिर्फ पाला उसे बल्कि डॉक्टर बना दिया। और आपने आपने बाप होने के बावजूद अपनी मौजूदा बेटियों को ही तस्लीम नहीं किया। आप जानना चाहते हैं ना कि मरियम क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके बाबा की तबीयत खराब है। उस शख्स ने मरियम को पालने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, हालांकि उसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने का ख्वाब पूरा किया उसने। और आज उसे एक मोहलिक बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उसे। तो मरियम इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ऐसी होती हैं बेटियां वसीम, ऐसी। काश आपने अपनी बेटियों को तस्लीम किया होता तो आज वो किसी मकाम पर होती और आपसे वफा निभाने के लिए कोई भी कीमत चुका देती। ख्वाजा सिरा, जिसे जिंदगी में खुद कभी प्यार नहीं मिला, उसने बिना किसी रिश्ते के एक बच्ची को पाल पोस कर डॉक्टर बना दिया, तो एक बाप के लिए क्या मुश्किल है? लेकिन क्या करें, कुछ लोग तो बदनसीब होते हैं। बेटा चाहिए था ना आपको, इसीलिए शिराज को आपने बेटों की तरह पाला। क्या सिरा मिला आपको? पुलिस, बदनामी, रुसवाई। खबरदार फाखरा, जो तुमने मेरे बेटे के बारे में बात भी की तो इस वक्त आपके बेटे की अहमियत नहीं है मेरे नजदीक। मैं अपने शौहर, अपनी बच्चियों के बाप से बात कर रही हूं, और मुझे यकीन है कि मेरी बात उनके दिल तक पहुंच चुकी है। तुम देख रहे हो इसको? ये जान जान कर मेरे बच्चे को बीच में लेके आ रही है। अरे तुम तो पहले दिन से ही मेरे बच्चे की दुश्मन थी, इसको चुप क्यों नहीं करा रहे? जबान खींच लो इसकी।